Welcome back to e-learning point. Here is Mani. So today I'm gonna practice business mathematics for 11 commerce chapter 3 interest and annuities exercise 3. So let's start. So question number 3.35 is rupees 80 for 12 months at 9% per annum compounded monthly. ठीक है, रुपीज प्रिंसिपल हमें दी हुए 80 और टाइम हमें दिया हुआ है 12 मंथ्स का. ठीक है, एंड हमारा जो रेट है वो है 9% और कंपाउंडेड मंथली, यानी कि अब यहाँ पर मंथली दिया हुआ है. सो मंथली मीन 12. ठीक है, 12 महीने होते हैं ना, तो मंथली है तो हम 12 लेंगे. सो सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, इसमें हमने कंपाउंड अमाउंट फाइंड करना है. सो गिवन है हमारे पास प्रिंसिपल जो कि 80 रुपीज़ है, 12 मंथ्स हमें टाइम गिवन था. ठीक है, अब 12 मंथ हमें पता है कि कितने किसके बराबर होता है, 1 ईयर से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं. ठीक है, सो हमने 1 ईयर ले लिया. सो टाइम हमारे पास क्या आ गया, 1 ईयर और 12 मंथ्स बराबर होते हैं. एंड आया हमारे पास क्या है, 9%. सो 9% था यहाँ पर, इसको हमने ख़त्म करने के लिए, परसेंट को ख़त्म करने के लिए डिवाइड किया 100 से. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.09. एंड m यहाँ पर क्या है, मंथली. सो हमने 12 ले लिया. ओके, सो अब हम फाइंड करेंगे r डिवाइड बाय m. सो इज इक्वल टू r डिवाइड बाय m इज इक्वल टू, आया हमारे पास है 0.09 डिवाइड बाय 12, क्योंकि m हमारा क्या था, मंथली था, सो हमने 12 लिया. सो r डिवाइड बाय m इज इक्वल टू, हमारे पास जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस में है 3. ठीक है, सो अब हम फाइंड करेंगे एम टी. सो एम हमारे पास 12 है और टी हमारे पास 1 है. सो 12 वन ज़ा 12, तो हमारे पास एम टी जो है वो 12 आ जाएगा. अब हम फॉर्मूले की हेडिंग देंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइड बाई एम की होल पावर एम टी. ठीक है, सो पुटिंग वैल्यू करेंगे. सो अमाउंट इज इक्वल टू, अ वैल्यू से हम पुट करें, प्रिंसिपल हमारे पास 80 था, तो 80 ब्रैकेट में 1 प्लस हमारे पास आई डिवाइड बाई एम जो था 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस क्यूब और की होल पावर हमारे पास है 12. ठीक है, सो अब अमाउंट इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू 80. अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 1 प्लस, अब यहाँ पे देखें यहाँ पर था माइनस मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 3. ठीक है, सो मैंने यहाँ पर पॉइंट को भी फिनिश करने के लिए मैंने 0 आगे 20 ले लिए एंड देन 75 ले लिया. जो अब देखें ये सेम फ्रैक्शन, सेम चीज़ें. अब देखें यहाँ से अगर मैं 1, 2, 3 लेकर जाऊँगी तो वो माइनस में मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगा. ठीक है, ये हमने अपनी 10 क्लास में भी ये चीज़ हमने पढ़ी थी. सो वही चीज़ यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. सो अब a इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई होगा 1.0075 की पावर 12 से. ठीक है, सो यहाँ पर 1 पहले हमने ब्रैकेट में प्लस किया एंड देन अब हम इसकी एक्सपोनेंट पावर फाइंड कर रहे हैं. सो जब हमने 1.0075 की पावर 12 फाइंड की तो हमारे पास आ जाएगा 1.09380 एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रिंसिपल से जो कि है 80. सो हमारे पास कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा इज इक्वल टू 87.504 के, जो हमारे पास आ जाएगा आंसर. सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 3.36 इज रुपीज 50 फॉर 18 मंथ्स एट 8% पर अनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें रुपीज़ दिए हुए 50, मंथ्स हमें दिए हुए 18 मंथ्स एंड रेट उस पर क्या है 8% और कंपाउंडेड क्वार्टरली है. क्वार्टरली मीन एम कितना हो गया, 4. ठीक है, सो सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, गिवन है हमारे पास प्रिंसिपल 50 रुपीज़ 18 मंथ्स जो के बराबर है 1.5 ईयर के. ठीक है, सो 2 ones are 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 2 ईयर्स है. ठीक है, सो इसको हम जब डिवाइड करेंगे 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे सो हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा 1.5 ईयर. ठीक है, सो अब हम आई को फाइंड करेंगे, आई हमारे पास क्या है 8%. सो इसको यहाँ पर परसेंटेज है सो डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू 0.08. ठीक है, अब हमारे पास एम क्या था, क्वार्टरली दिया हुआ था तो हमने एम 4 लिया. ठीक है, सो अब एम टी फाइंड करेंगे, एम हमारे पास 4 है एंड टी हमारे पास 1.5 है. सो आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम टी 6, ये हमारी पावर है. ठीक है, सो अब हम फाइंड करेंगे आई डिवाइड बाय एम. सो आई डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू, आई हमारे पास है 0.08, डिवाइड करेंगे एम से जो कि हमारे पास क्या है 4. सो इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा आई डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू 0.02. अब इसको पुट करेंगे हम फॉर्मूले में, सबसे पहले फॉर्मूले की हेडिंग देंगे, फॉर्मूला है हमारे पास ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आई डिवाइड बाय एम की होल पावर एम टी. ठीक है, सो अब पुट इन वैल्यू करेंगे फॉर्मूले में. सो
ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास 50 था वो हमने लिख लिया. अब ब्रैकेट में 1 ये फॉर्मूले का 1 है प्लस आई डिवाइड बाई एम जो कि हमने फाइंड किया था 0.02 है कि होल पावर लेंगे 6. ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे देन एक्सपोनेंट पावर फाइंड करेंगे. सो ए इज इक्वल टू 50 1 प्लस होगा तो हो जाएगा 1.02 की पावर 6. ठीक है, अब हम पावर फाइंड करेंगे 1.02 की पावर 6 की तो हमारे पास आ जाएगा 1.126. अब ये a इज इक्वल टू 50 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1.126 से. सो हमारे पास a आ जाएगा इज इक्वल टू कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू होगा हमारे पास 56.31 के आंसर. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. सो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.